आज की वीडियो में हम लखदाता सखी सर्वलाला वाले पीर जी के दरबार पीर निगाहे जी का इतिहास जानेंगे, तो कृपया इस वीडियो को पूरी जरूर देखें। सखी सर्वर लखदाता जी के बहुत मुरीद हुए, उनमें से एक मुरीद हुए हिमाचल प्रदेश जिला उन्ना सेली गांव के निगाहिया जी, जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। कुष्ठ रोगी होने के कारण परिवार वाले निगाहिया जी से नफरत करने लगे थे, कहीं यह रोग बाकी परिवार को न हो जाए, इसलिए उसका रहना खाना पीना सब कुछ परिवार से अलग कर दिया। निगाहिया जी इस बात से बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ तो अवश्य परिवार वाले चिंता मुक्त हो जाएंगे। ये सोच कर निगाहिया जी घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जो नाचते गाते ढोल बजाते हुए जा रहे थे। निगाहिया जी ने उनसे पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम अपने पीर सखी सर्वर लखदाता जी के दरबार पीर निगाहे, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ जा रहे हैं। वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। निगाहिया जी ने उन्हें कुछ पैसे देकर कहा, मेहरबानी करके मेरी भी ये भेंट पीर लखदाता जी के दरबार में चढ़ा देना और मैं कुछ रोग से मुक्त हो जाऊं, ऐसी फरियाद मेरी तरफ से जरूर कर देना। हो सकता है लखदाता जी मेरे ऊपर कृपा करें और मैं भी कुछ रोग से मुक्त हो जाऊं। वहीं पास में एक बेऔलाद आदमी ने ये सारा वार्तालाप सुना। घर जाकर उसने आपस में अपनी बीवी के साथ विचार किया और लखदाता जी के आगे फरियाद की, हे पीरों के पीर लखदाता जी, हम बेऔलाद हैं, अगर आप हमें औलाद का सुख दें तो हम सदा के लिए आपके मुरीद हो जाएंगे और सारी उम्र आपकी सेवा करेंगे। दूसरी तरफ कुष्ठ रोगी निगाहिया जी लखदाता जी का ध्यान करने लगे। एक दिन निगाहिया जी अपनी समाधि में बैठे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई दी, निगाहिया आंखें खोल और देख तेरे सामने कौन खड़ा है। जब निगाहिया जी ने आंखें खोली तो वह खुली की खुली रह गई। क्या देखते हैं कि पीर लखदाता जी अपनी कक्की घोड़ी पर सवार उसके सामने खड़े हैं। लखदाता जी ने कहा, निगाहिया तेरी सच्ची सेवा और प्यार से हम बहुत खुश हुए। तू हमारे बड़े पीर निगाहिया नहीं आ सकता था, इसलिए तुझे दर्शन देने के लिए हम यहीं चले आए। निगाहिया जी लखदाता जी को बस निहारे जा रहे थे, फिर विनती की और कहा, हे पीरों के पीर मेरे लखदाता जी, मेरी सच्ची सरकार जी, आपका लाख लाख शुक्र है, आप मुझ जैसे पापी कुष्ठ रोगी को दर्शन देने यहाँ चले आए। ये कहते हुए निगाहिया जी की आंखें भर आई। तब लखदाता जी ने वचन किया कि निगाहिया घबराओ नहीं, ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। तुम बहुत नेक इंसान हो, मेरे मुरीद थे, इसलिए खुदा ने तुम्हें ये दुनिया की हर खुशी दी और तुम मोह माया के जाल में फंस कर खुद को भूल गया, बस यही तेरी गलती है जिसकी तू सजा भुगत रहा है। अब तुम घबराओ नहीं, तुम फिर से अपने असल मार्ग पर आ गए हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लखदाता जी ने निगाहिया को हुक्म देते हुए कहा, निगाहिया यही पास में गुफाएं हैं जो पांडवों ने बनवाई थी, उन गुफाओं की सफाई करो और वहीं पर हमारे नाम का चिराग रोशन करो, धूप बत्ती कर कर हमारी भक्ति करो, जब भी तुम हमें याद करोगे हम हाजिर हो जाएंगे। ये वचन करके लखदाता जी आलोप हो गए। लखदाता जी का हुक्म मान कर निगाहिया जी ने गुफा की साफ सफाई की और अपने पीर लखदाता जी की सेवा में जुट गए। समय बीतता गया। एक दिन निगाहिया जी का मन बहुत उदास हो गया। उन्होंने अपने पीर लखदाता जी को याद किया। लखदाता जी प्रकट हुए और निगाहिया जी को उदास देखकर कहा, निगाहिया तू बस इस बेयाबान जंगल को देखकर उदास ना हो, यहाँ हमारा बहुत बड़ा दरबार बनेगा और यहाँ मेले लगा करेंगे, समय आएगा और इस देश का बंटवारा होगा और इस तरफ के हमारे मुरीद यहीं पर माथा टेकेंगे, सुखना सुखेंगे और पूरी होने पर आया करेंगे। दिल ना छोड़, सेवा कर और यही सेवा करके तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। इतना कहकर लखदाता जी आलोप हो गए। दूसरी तरफ बेऔलाद व्यक्ति की फरियाद कबूल हुई और समय आने पर उनके घर में एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म दिया। व्यक्ति बेटा पाकर बहुत खुश हुआ। थोड़े समय बाद व्यक्ति लखदाता जी का शुक्राना करने के लिए उनके बड़े पीर निगाहे जाने की तैयारी करने लगा। इधर लखदाता जी ने निगाहिया जी को दर्शन देकर कहा,
पास के गांव में हमारे मुरीद हैं, उनके घर कोई औलाद नहीं थी, हमने उन्हें बेटे का सुख दिया और अब वो हमारे बड़े पीर निगाहे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम उनके घर जाओ और उन्हें समझाओ कि वो सुखना का सारा सामान यही इस गुफा में लेकर आए और यहीं चढ़ाए, उनकी सुखना हम यहीं कबूल करेंगे। पीर जी के कहने पर निगाहिया जी उस व्यक्ति के घर गए और लखदाता जी का हुक्म सुना दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने निगाहिया जी को बहुत बुरा भला कहा और अपने घर से निकाल दिया। निगाहिया जी बहुत दुखी मन से वापस गुफा पर आ जाते हैं और रोते हुए लखदाता जी को याद करते हैं। लखदाता जी प्रकट होते हैं और वचन करते हैं कि निगाहिया, तू अपनी परीक्षा में पास हो गया, अब तेरे सारे दुख कष्ट कट जाएंगे, तू फिक्र ना कर, जिन लोगों ने तुझे बड़ा बुला कहा है उनको सजा जरूर मिलेगी, वो लोग यहीं पर अपनी सुखना देने आएंगे, तुझसे माफी भी मांगेंगे, अब जाओ और सामने तालाब में जाकर नहाओ, तुम्हारे सारे कुष्ठ लोग ठीक हो जाएंगे, वापिस आकर दरबार में सेवा करो। ये कहकर पीर लखदाता जी आलोप हो गए। निगाहिया जी जैसे ही तालाब से नहाकर बाहर आए, उनका सारा शरीर पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया। उधर उस व्यक्ति के घर उनका बेटा बीमार हो गया, उन्होंने बहुत सेवा और दवा का इस्तेमाल किया पर कोई फायदा ना हुआ। फिर पीर लखदाता जी के आगे फरियाद करने लगे। एक दिन जब बच्चा बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया तो उस दिन उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम लोगों ने मेरे मुरीद निगाहिया का बहुत अपमान किया है, जो मेरे भेजे संदेश को तुम्हारे पास लेकर आया था और जिसे तुमने ठुकरा दिया, इसलिए तुम लोगों को ये सजा मिल रही है। अपनी सलामती चाहते हो तो जाओ और मेरे मुरीद निगाहिया से माफी मांगो और मेरे बड़े पीर निगाहे जाने के बजाय यहीं उसी गुफा में अपनी सारी सुखना चढ़ाओ और उसी गुफा में आप लोग जी जान से सेवा करो। जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक है, जैसा हमने कहा वैसा ही करो। लखदाता जी के हुक्म मुताबिक सारा परिवार गुफा पर गया और लखदाता जी की सुखना चढ़ा के उनका शुक्रिया अदा किया, निगाहिया जी से भी माफी मांगी और उनको उनका बेटा ठीक हुआ दिखा, जो वो देखकर बहुत खुश हुए। लखदाता जी के जयकारे लगाते हुए खुशी खुशी घर वापिस गए। तब से निगाहिया जी ने यही इन्हीं गुफाओं में लखदाता जी की भक्ति की और स्वर्गवास के बाद उनकी समाधि इसी गुफा में बनाई गई, जिसे हम सब मुरीद दर्शन करने और माथा टेकने आते हैं। धन्यवाद।